सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज है स्नीक पीक डे 2 एंड आज की वीडियो में गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ नई स्किन जो अभी मई सीजन में आएगी, जिसका नाम है माइनर क्वीन और काफ़ी मस्त है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने ओवरले पे लगाया है एंड साथ ही गाइस उसके साथ ही बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, न्यू ट्रूप जिसका नाम है फ्लाइंग फोर्ट्रेस, तो वो भी हम देखने वाले हैं। उसका एनिमेशन, उसका गेम प्ले एंड ऑल, साथ ही ये जो नई माइनर क्वीन आई है ना, उसका भी हम देखने वाले। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आ रहे हो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना यार जल्दी से नीचे, और सब्सक्राइब बटन भी चेक कर लो आपने किया है कि नहीं, क्योंकि 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे 5 गोल्ड पास का गिव अवे है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ ये माइनर क्वीन। एंड ये देखो गाइस, एकदम प्यारी, एकदम छोटी सी बच्ची टाइप है जो कि क्वीन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे स्क्रीन पे। एंड एकदम लिटरली मुझे ऐसा बोलने का मन कर रहा है कि छोटी बच्ची हो क्या। चलो ठीक है गाइस, तो आगे अभी इसका एनिमेशन देखने वाले इस क्वीन का, माइनर क्वीन का। एंड ये देखो एकदम मतलब प्यारा सा, एकदम उसे नहीं क्या स्कूल टाइप का उसे बैग थमा दिया है, एकदम स्कूल गर्ल लग रही है। लेकिन उसके सर पे देख लो कैंडल है, यहाँ पे कैंडल भी देख लो एंड इसका एनिमेशन देख लो गाइस। यहाँ पे ओके, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं ना क्वीन के ऊपर, तो उसका एनिमेशन यहाँ पे देखना। ओ माय गॉड, ये देखो। अच्छा चलो, तो वो उसके अंदर कुछ तो लगाती है ऐसा है। तो उसके बाद ना अभी रेस्टिंग एनिमेशन यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि वो स्लीपिंग टाइम पे, मतलब जब उसका रीजेनरेशन टाइम होता है ना, उसका यहाँ पे देख लो। ओके, तो इसी ये तो मतलब खास इतना कुछ है नहीं, बट ठीक है, मस्त है, क्यूट है, जो भी है, एकदम मस्त लगा मुझे। तो उसके बाद अभी गेम प्ले देखने वाले माइनर क्वीन का। तो चलो भाई यहाँ पे देख लो, उसका जो बो है ना, बो हाथ में, वो थोड़ा अलग है। ओके, सो यहाँ पे इसके अंदर से वो बॉल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी मस्त है यार, एकदम मतलब नई चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है क्लैश ऑफ क्लैंस, भाई बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं। तो इसका गेम प्ले स्टाइल देखना, इसका वो जो बॉम्ब्स है आई थिंक सो, जो निकल रहे हैं और लग के ऐसे फूट रहे, तो ये काफ़ी मस्त चीज़। एंड इसके जो बच्चे देखो भाई, आर्चर्स के छोटे छोटे आर्चर्स, वो देखो यहाँ पे कितने मस्त दिख रहे हैं। सो अभी आगे भी अभी देखने वाले इसका पूरा गेम प्ले एंड उसके साथ ही फ्लाइंग फोर्ट्रेस के लिए एक्साइटेड होना मुझे पता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरा हम लोग देख लेते हैं इस क्वीन का, काफ़ी मस्त है यार, एकदम उछल उछल के जा रही है, छोटी बच्ची टाइप दिख रही है मुझे, बट इट इज़ सो क्यूट, बहुत मस्त है। सो ये रहा क्वीन का पूरा गाइस, मैंने आपको बता दिया नई क्वीन की स्किन जो आने वाली। तो आगे अभी हम लोग बढ़ने वाले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट क्या है, मतलब अगला स्नीक पीक, वो ये रहा फ्लाइंग फोर्ट्रेस जिसका नाम है यहाँ पे गाइस, ये देख लो ये रहा। एंड इसका गाइस ना अभी हम लोग ना पूरा गेम प्ले देखने वाले हैं एंड स्क्रीन पे गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये गाइस ना एक गेम प्ले है बिल्डर वर्कशॉप का, तो इसमें अभी उसका पूरा वर्किंग एनिमेशन देखने वाले और भाई काफ़ी तगड़ा है लिटरली। एंड ये एक तरफ से पूरा अटैक में यहाँ पे शो किया गया है विद सुपर पैक का, फ्लाइंग फोर्ट्रेस के साथ यहाँ पे सुपर पैक्का का भी अटैक हमको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे गाइस ये स्पेल, अच्छा ओके, लाइटनिंग स्पेल थी एंड हाँ नई स्पेल भी गाइस यहाँ पे आ चुकी है, फ्रॉस्ट स्पेल। एंड ये डिफेंस गाइस देख लो, भाई साहब इसने कैसे एकदम मारा यार एकदम। चलो ठीक है, ये रहा आ चुका है यहाँ पे वो भाई साहब, काफ़ी खतरनाक है। एंड इसके अंदर से अगर आप देखोगे ना तो बैट्स निकलते हैं, एज अ मतलब बैट्स के अंदर ना स्केलेटन्स होते हैं और वो जाते हैं डिफेंस के पास और वहाँ पर निकलते फूटते हैं और स्केलेटन्स भी मारने लगते हैं। ये देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्रॉपर इसका एकदम अटैकिंग एनिमेशन और काफ़ी सही है यार, मस्त है। हेल्थ यहाँ पे देख लो, हेल्थ मतलब इतनी ज़्यादा आई थिंक सो उसका हेल्थ भी कम होते जा रहा है, मतलब ये चलता फिरता उड़ता सीज मशीन विथ पंख यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे COC वालों ने। चलो ये भी सही है, तो अभी देखो ये ब्रेक होगा, मतलब ये अभी टूट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखना क्या होगा। ओके, ये देखो गिर गया एंड उसके अंदर से स्केलेटन्स निकल गए काफ़ी सारे, ठीक है। सो ये बिल्डर्स वर्कशॉप का ये अटैक था, तो उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट भी देखने वाले। तो यहाँ पे अभी स्पेल डिप्लॉय की गई। ओ भाई ये क्या है यार इतना बड़ा, ओ तेरी, ये तो भाई वो जो नहीं क्या एक्सबो का जो नया वर्जन आया ना, उसका नाम अभी मुझे इतना याद नहीं है बट काफ़ी सही है। तो अभी ये हो चुका अटैक, अभी नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले बिल्डर वर्कशॉप का ये अटैक है सेकेंड, तो उसमें भी अभी हमको देखने को मिलेगा कि ये फ्लाइंग फोर्ट्रेस। तो ये देखो जहाँ से अटैक खत्म हुआ था वहीं से कंटिन्यू यहाँ पे हो रहा है। एंड ये आई थिंक सो ये कैनन कार्ट टाइप है ना हमारे बिल्डर बेस का, तो वो यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। फिर उसके बाद एक यहाँ पे है फ्लाइंग फोर्ट्रेस और उसके साथ ये सुपर पैक्का है गाइस, और ये देखो आ चुका भाई, अभी देखो कैसे मारेगा। एंड रॉकेट बलून्स के साथ भाई सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे COC वालों ने। चलो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा। फ्री एक यहाँ पे स्पेल डिप्लॉय कर दी गई है और ये स्पेल है, क्या पता भाई कौन सी स्पेल है,
ये फ्रॉस्ट स्पेल है क्या? ये कौन सी स्पेल है पता नहीं। नहीं फ्रॉस्ट स्पेल तो उस मतलब ट्रूप्स पानी के ऊपर चलने के लिए भी यूज़ होता है, तो ये आई थिंक सो कुछ अलग है, फ्रीज टाइप है क्या, कुछ स्लो वो करती है। चलो ठीक है, ये भी अटैक अभी हम लोग देख रहे हैं फटाफट से, एंड उसके बाद अभी देखते हैं क्या ये पूरे बेस को मार पाएगा क्या। भाई देखो कोई मार ही नहीं रहा है इसको। अच्छा ओके, तो ऐसा नहीं है कि सीज मशीन टाइप है, क्योंकि सीज मशीन की ऑटो हेल्थ है ना वो माइनस होते चली जाती है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई कोई सीज मशीन की। तो जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला इसके ऊपर जब डैमेज गिरेगा ना तो ही इसकी हेल्थ कम होगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अभी जायंट कैनन के पास यहाँ पे पहुँच चुका है, तो क्या कितने जल्दी मारेगा। अच्छा ओके, एयर डिफेंसेस ही मार पाएंगे सिर्फ, ना कि ग्राउंड डिफेंसेस। भाई ये वो देख लो कितना खतरनाक सा एक्सपो टाइप वो मार रहा है उसे। चलो अभी आगे भी देखते हैं कि कैसा यहाँ पे पूरा वर्क कर रहा है, एंड काफ़ी सही यार, ज़बरदस्त है यहाँ पे अपडेट, देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है क्योंकि इतने सारी नई नई चीज़ें हैं ना। ये देखो भाई वो जो नए वाले एक्सबो को भी नहीं छोड़ रहा है, और उसके बैट्स देख लो कैसे पहुँच रहे एक एक करके, और उसको भी मार। ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ है यार इसकी, मैंने तो सोचा था काफ़ी लो है, बट ये काफ़ी खतरनाक है। एंड गाइस ये अटैक है बिल्डर वर्कशॉप का, तो उसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं फ्लाइंग फोर्ट्रेस अटैक बलून लगून के अंदर देखने वाले, ये नया डिस्ट्रिक्ट है। एंड हाँ गाइस एक और स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे अभी देख लो ये नया अटैक है इन बलून लगून। ये रही फ्रॉस्ट स्पेल गाइस, यहाँ पे फ्रॉस्ट स्पेल क्या करती है ना, एक लेयर बना देती है पानी के ऊपर ताकि ट्रूप चल पाए। और अभी देख लो यहाँ पे दो फ्लाइंग फोर्ट्रेस आ चुके हैं, एफएफ बोलेंगे हम लोग इन शॉर्ट इसे, दो एफएफ आ चुके हैं, और उसके साथ उसके बैट्स देख लो भाई कितने सारे बैट्स यहाँ पे जा रहे हैं डिफेंसेस के पास। एंड काफ़ी सही यार, मतलब ऊपर से भी मारेगा और बैट स्पेल्स जब पहुँचेंगे ना डिफेंस के पास तो नीचे से भी मारेंगे, ताकि वो जो डिफेंसेस है ना वो लॉक हो जाए यहाँ पे इसके ऊपर, क्या बोलते हैं अपने बैट्स के ऊपर, स्केलेटन्स के ऊपर। तो ये काफ़ी सही है, देखो एक की अभी हेल्थ है ना वो कम हो रही है, तो एक अभी मरने वाला है, मरने के बाद देखना कितने सारे स्केलेटन्स यहाँ पे डिप्लॉय करेगा, वो भी एक देखने लायक चीज़ है। ये देखो भाई काफ़ी सारे स्केलेटन्स है, एंड पूरा बेस स्केलेटन से भर जाएगा लगता है अगर हम सारे के सारे ये यूज़ करेंगे तो, इस नया ट्रूप को एफएफ को यूज़ करेंगे तो। तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉल तक पहुँच चुका है एफएफ, तो क्या इसे मार पाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉल के पास पहुँच के, तो चलो वो भी हम देखेंगे फटाफट से। एंड ये फर्स्ट अटैक है इस फ्लाइंग फोर्ट्रेस का इन बलून लगून के अंदर, तो वो भी हम देखते हैं आगे क्या ये डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा है। ओ भाई पहुंच गया डिस्ट्रिक्ट तक एकदम से, अभी लगता है ये देखो स्केलेटन्स ही मार देंगे लगता है डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि ये वाला एक ही छोटा सा नन्ना मुन्ना लो लेवल का नया एक्सबो है। भाई ये तो खतरनाक है यार, लिटरली काफ़ी खतरनाक है। देखो डिस्ट्रिक्ट हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये वाली आर्टिलरी देखो ये बहुत बढ़िया आर्टिलरी है। ओ तेरी ये क्या है भाई, मार रही है एक एक करके, चलो एक एक फटाफट यार, लेकिन फास्ट इसके रॉकेट से ना, रॉकेट आर्टिलरी है ना ये, इस रॉकेट्स काफ़ी फास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको। तो चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट अटैक। एंड ये देखो ये जो स्पेल है ना वो डिप्लॉय की है, अगर किसी आपके पहले फ्रेंड ने तो वो मतलब उसका टाइमर ख़त्म नहीं होगा, वो अनलिमिटेड टाइम तक है वो स्पेल। ठीक है, सो यहाँ पे देखो रॉकेट बलून्स के साथ स्टार्ट किया गया है जो अटैक यहाँ पे बचा हुआ था, एंड एक लाइटनिंग स्पेल की तरह एक कुछ चीज़ें डिप्लॉय की गई, लाइटनिंग स्पेल या फिर कुछ अलग नाम होगा। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे देखो दो यहाँ पे एफएफ डाल दिए गए, तो भाई ये तो छोड़ने नहीं वाले, ख़त्म कर देंगे इस पूरे बेस को। तो अभी कहाँ बढ़ रहे, अच्छा ये डायरेक्टली पहले सबसे पहले डिफेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और डिफेंसेस को ही मारने लगते हैं। तो ये गाइस पूरा डे टू का स्नीक पीक था, एंड अभी यहाँ पे रुको और क्या बचा हुआ है, एक और डिफेंस के पास बढ़ रहा है। अच्छा बहुत सारे कॉर्नर्स के अंदर डिफेंस है ना, इस वजह से पूरा बेस के ऊपर घूम रहा है वो, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा वो तो है, बट फिर भी ताकतवर तो काफ़ी है। तो ये अभी पूरा लास्ट यहाँ पे हो चुका अटैक एंड 80%, तो चलो ये पूरा कंप्लीट हम देख लेंगे अटैक। तो ये देखो यहाँ से पूरा कंटिन्यू हो रहा है 87%। एंड ये देखो इन्फर्नो टार्स देख लो, अभी इन्फर्नो टार्स के सामने देखेंगे कि क्या कैसे वर्क कर रहा है ये, चलो देखते हैं भाई। इन्फर्नो टार ने तो पकड़ लिया है, तो अभी देखते हैं कि क्या ये पूरा थ्री स्टार निकाल देंगे मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखो 92% है, और ये लास्ट ये छोटे छोटे एक्सबो बचे, बट उससे भी ख़त्म कर देगा। सो गाइस यही था पूरा डे टू का स्नीक पीक। एंड स्पेल्स देख लो, नई स्पेल भी यहाँ पे हो चुकी है रिलीज, स्नीक पीक में दिखाई दी गई है हमको। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्नीक पीक कौन सा होगा। आई होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, नया एफएफ कैसा लगा, न्यू माइनर क्वीन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पर, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच और
कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा ये स्नीक पीक आज के डे का, एंड आपके हिसाब से आपको ये अपडेट पूरा कैसा लगा। एंड अपडेट डेट आप पूछ रहे हो गाइस, अपडेट डेट ना आ जाएगा यार, संडे मंडे कुछ ही दिनों में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो चलो गाइस मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच और बाय।